एक न्यूज़ बड़ी ट्रेंड कर रही है अभी कि सिकंदर मूवी जो है सलमान खान की, रश्मिका मंदाना की, उसमें क्या सच में अक्षय कुमार है? एक यूजलेस क्रिटिक है, नाम नहीं ले रहा हूँ मैं, उसने भाई एक ऐसा ही इंटरप्रिटेशन फैलाया, एक उसकी जो एक थिंकिंग लेवल है वो। बट देखो मैं सिंपल बात बोल रहा हूँ, अगर ये होता है तो भाई मुझसे ज़्यादा खुश कोई नहीं होगा कि मतलब सलमान खान एज अ एक्टर हीरो, अक्षय कुमार एज अ विलन इन दैट सिकंदर फिल्म, जो कि भाई बताने की कोई ज़रूरत ही नहीं कि बाप लेवल तगड़ा मज़ा आ जाएगा। रश्मिका मंदाना उसमें है, विलन अक्षय कुमार हो सकता है क्या? क्वेश्चन मार्क है इस पे। ये नहीं कि अक्षय कुमार ने साइन कर दी वो फिल्म, लेकिन ये भी है कि अगर हो हुआ तो मैं मेरा पॉइंट ऑफ व्यू बोलूँ तो मज़ा आएगा। पर ये तो मेरा हुआ ना पॉइंट ऑफ व्यू कि मज़ा आएगा, सच में हुआ है क्या? लेकिन नहीं, नारियाडवाला फिल्म्स के साथ अक्षय कुमार के तो भाई बहुत अच्छे संबंध है, जितना इवन सलमान के भी नहीं होंगे, होंगे सलमान के, लेकिन अक्षय कुमार बहुत पहले से ही, शायद हे बेबी वगैरह भी फिल्में थी ना नारियाडवाला की थी मे भी, अक्षय कुमार बहुत सी फिल्में, नारियाडवाला ने अक्षय को, अक्षय ने नारियाडवाला को बनाया है, इसमें कोई शक नहीं। अभी का छोड़ दो, ये दो तीन फिल्में फ्लॉप गई, वो जो रिसेंटली अभी गई है बड़े मियाँ छोटे पे एंड ऑल, वो लक का फैक्टर है। बाकी अक्षय कुमार के बारे में बताने की ज़रूरत नहीं कि नारियाडवाला के साथ जब भी आता है, हाउसफुल 4, 3, 2, 1, जो भी है, बहुत सी फिल्में हैं यार, एक दो तो मैं गिना के दे रहा हूँ। तो भाई सक्सेसफुल रेशियो है, अब पैसे भी सिकंदर में उन्होंने ही लगाया है तो देयर इज़ हाई चांसेस। पर क्या ये कंफर्म हुआ है कि भाई साइन किया? क्या आपको नारियाडवाला की तरफ से, मुर्गा दास की तरफ से, सलमान खान की तरफ से, रश्मिका मंदाना की तरफ से, इवन अक्षय कुमार की तरफ से आया ऐसा कोई अपडेट? देखो अपडेट आया तो भाई मैं तो बहुत खुश हो जाऊंगा, अगर आ जाता है तो मैं भी चाहता हूँ। थोड़ा डिस्टर्बेंस होगा तो माफ़ कर देना, अभी मैं बहुत जल्दबाजी में वीडियो बना रहा हूँ, बहुत से कमेंट्स आ रहे हैं कि आपने वीडियो नहीं बनाया, अक्षय कुमार साइन सिकंदर, भाई कहाँ पे साइन हुई? अगर हुई ऑफिशियली तो मैं तो स्पेशल वीडियो बनाऊंगा उसका, नो डाउट एट ऑल, पर मैंने बहुत सर्च किया भाई, अभी तक तो मेरे पास अपडेट नहीं। एंड सॉरी, मैंने कल रात से इंस्टाग्राम पे और बाकी जगह पे मैंने कोई न्यूज़ ली नहीं है, तो भाई सच में साइन हुआ हो तो कमेंट्स में बताओ, मैंने फॉलो भी नहीं किया है सुबह से कुछ भी, ये इंस्टा, ट्विटर, ये वो न्यूज़ कुछ भी नहीं, तो भाई मुझे नहीं पता ऐसा हुआ होगा तो। मैंने गूगल पे सर्च किया लेकिन वैसा कुछ दिखा नहीं मुझे, तो ऐट प्रेजेंट तो वैसा नहीं है, पर भाई आएगा तो सच में धमाका हो जाएगा, मज़ा आएगा भाई, सच में मज़ा आएगा, क्योंकि भाई वैसे भी उस फिल्म में कोई विलन तगड़ा होना चाहिए ऐसा सब लोग बोल ही रहे हैं, तो भाई इससे बेटर तो कुछ होगा नहीं। पर अब वो भी तो देखना पड़ेगा कि अक्षय कुमार सर ने, आई थिंक अजनबी के बाद तो कोई विलनियस कैरेक्टर शायद किया ही नहीं है। हाँ वो वंस अपॉन टाइम इन मुंबई दोबारा किया था, ठीक है काम उनका बुरा नहीं था, बट क्या था कि वो स्क्रिप्ट ही बहुत ही वर्स्ट वाहियात थी। पर ओवरऑल अगर मैं बात करूँ तो मुझे नहीं याद यार, वो बच्चन पांडे वाला वो विलन वाला कैरेक्टर को मैं गिनता ही नहीं, वो कोई कॉमेडी टाइप ही था थोड़ा। तो एक पर्सनली अगर विलन की बात करूँ तो वो अजनबी फिल्म थी, तो बॉबी देओल को बहुत तगड़ा तंग किया था, और इवन फिल्म फेयर मिला था शायद विलन का, बेस्ट विलन वाले रोल पे। तो कहने का मतलब यही है भाई, करेंगे तो भाई तबाही आ जाएगी नो डाउट, बट होना तो चाहिए, और ऑफिशियल न्यूज़ नहीं है ये, तो ये भी याद रखो, अभी ऑफिशियल हो जाती है तो बहुत मज़ा आएगा, अभी तो नहीं कंफर्म।